हेलो गाइस, नमस्कार। रामटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन का फिफ्थ पार्ट। ठीक है, अभी तक हम इससे पहले चार लेक्चर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के कर चुके हैं प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन का फिफ्थ पार्ट, जिसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन द कंस्ट्रक्शन वर्क इज कंप्लीटेड, व्हेन द कंस्ट्रक्शन वर्क इज कंप्लीटेड द टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इज कॉल्ड। कह रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन है कि जब कार्य पूरा हो गया है, ठीक है, जब कंस्ट्रक्शन का कार्य पूरा हो गया है और उसमें कुल लागत लगी है, तो उस कुल लागत को क्या कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, एस्टिमेट कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। एस्टिमेट कॉस्ट होता है जो अनुमान लगाया गया, प्राकलन किया गया रहता है, यानी कंस्ट्रक्शन के पहले। ठीक है, जो अनुमान लगाया गया होता है कि कितना पैसा लगने वाला होता है, उसे एस्टिमेट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, और सेकंड है अप्रेजल कॉस्ट, मूल्यांकन करना, वैल्यूएशन करना। ठीक है, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, सप्लीमेंट्री में कॉस्ट होता है कि जब भी कोई भी चेंजमेंट हो रहा है कंस्ट्रक्शन के दौरान में, कोई भी चेंजमेंट कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा सप्ली तो उस चेंजमेंट के कॉस्ट को, ठीक है, मीन्स उसको कुछ एक्स्ट्रा एडिशन हुआ है या सब्सट्रैक्शन, तो उसी को ही कहते हैं सप्लीमेंट्री कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट होता है जब कार्य पूरा हो जाता है, उसमें हमको पता कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाता है विद डिटेल कि कितना किसमें पैसा लगा है, तो उस कॉस्ट को कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट। तो यहाँ पर पूछा गया है, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज कंप्लीटेड, द टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इज कॉल्ड, यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट, जब कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हो गया है, हमको लागत पता चल गई है कि कितनी लागत लग रही है, तो उस लागत को क्या कहते हैं, एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वुडन फ्रेम एंड वर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वुडन फ्रेम एंड डोर एंड विंडो। ठीक है, तो पूछ रहा है कि किस में मेजर करते हैं। ठीक है, वुडन फ्रेम ऑफ डोर, दरवाजे के फ्रेम और खिड़की को किस में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है, स्क्वायर मीटर में, क्यूबिक मीटर में एंड मीटर एंड सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्वायर मीटर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्क्वायर मीटर, तो ऑप्शन ए पार्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज जनरली एडॉप्टेड, कितना प्लास्टरिंग के लिए लगभग कितने एमएम का प्लास्टर कराते हैं जनरली। जनरली 12 mm का, ठीक है, याद रखेंगे 12 mm का प्लास्टरिंग कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनुअल रेंट इज जनरली फिक्स्ड एट। ठीक है, वार्षिक किराया आमतौर पर तय किया जाता है कितना परसेंट, यानी जो बिल्डिंग की कॉस्ट है, ठीक है, बिल्डिंग की कॉस्ट है, उस बिल्डिंग की कॉस्ट का कितना परसेंट तय कराया जाता है, एनुअल रेंट। ठीक है, वार्षिक किराया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जा रहा है 5 to 10%। एनुअल रेंट जो होता है जनरली कितने कितना परसेंट वार्षिक तय किया जाता है, 5 to 10% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, जो बिल्डिंग की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की वैल्यू है उसका 5 to 10% हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट, सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूजफुल पार्ट ऑफ लाइव लिवेबल एरिया ऑफ बिल्डिंग इज नोन एज। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, किसी भवन के रहने योग्य क्षेत्र के उपयोगी भाग को भी कहा जाता है, कारपेट एरिया, सर्कुलेशन एरिया, हॉरिजेंटल सर्कुलेशन एरिया, प्लिंथ एरिया। कहने का मतलब है कि लिवेबल एरिया भी कहा जाता है किसको, कारपेट एरिया को, कि सर्कुलेशन एरिया को, कि हॉरिजेंटल सर्कुलेशन एरिया, प्लिंथ एरिया को। तो यहाँ पर बता दें हम कि कारपेट एरिया को कहते हैं, लिवेबल एरिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कारपेट एरिया होता है कि कारपेट मीन्स जितने पार्ट में बिछाया जाता है, माना जाता है कि उतने को लिवेबल एरिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बाथरूम, किचन, और ठीक है, ये सब चीज़ें जहाँ पर कि कारपेट नहीं बिछा सकते। ठीक है, तो उस एरिया को छोड़ के कंसीडर करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लिवेबल एरिया या कारपेट एरिया, कारपेट एरिया को ही बोलते हैं लिवेबल एरिया, लिवेबल एरिया। ठीक है, कारपेट एरिया को ही लिवेबल एरिया बोलते हैं। ठीक है,
सर्कुलेशन एरिया होता है जहाँ पर कि हम घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, कितना आप टोटल का टोटल एनुअल रेवेन्यू ऑफ बिल्डिंग इज टैक्स टू बी पेड टू प्रॉपर्टी टैक्स टू बी, यानी भवन के कुल वार्षिक राजस्व का संपत्ति कर के लिए भुगतान किया जाता है, किया जाने वाला कर है, कितना परसेंट लिया जाता है। कहने का मतलब है कि टोटल परसेंटेज और टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल टोटल एनुअल रेवेन्यू ऑफ बिल्डिंग इज टैक्स टू बी पेड टू प्रॉपर्टी टैक्स। ऑप्शन दिया गया है 5%, 10%, 15%, 20%, ठीक है। तो यहाँ पर बता दें कि भवन के लिए कुल वार्षिक राजस्व का 15% संपत्ति कर के लिए भुगतान किया जाने वाला कर है, ठीक है। टोटल टोटल एनुअल रेवेन्यू ऑफ बिल्डिंग इज टैक्स टू बी पे टू प्रॉपर्टी टैक्स इज 15%, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट, ठीक है, 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट एनालिसिस आर, यानी दरों के विश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन दिया गया है हमें, मटेरियल क्वांटिटी एंड मटेरियल क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। तो ये अफेक्ट करता है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, ये भी लेबर क्लास एंड वेजेस, ये भी अफेक्ट करता है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर तो जितने ऑप्शन दिए हैं ऑल द एबव, यानी कि चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑल द एबव, ठीक है, ऑल द एबव, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल द एबव, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाई स्किल्ड लेबर इन फॉर्म ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क पर डे इज कॉल्ड, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिदिन कार्य की मात्रा के रूप में कुशल श्रम द्वारा कार्य करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है, टास्क वर्क, आउट टर्न वर्क, बोथ ये एंड बी, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ये एंड बी, क्योंकि टास्क वर्क भी कह सकते हैं, आउट वर्क, आउट टर्न वर्क भी कहेंगे, कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइट ऑफ राइजर फॉर ईच स्टेप इन बिल्डिंग इज, ठीक है, हाइट ऑफ राइजर फॉर ईच स्टेप इन बिल्डिंग, ठीक है, कितना होता है। ऑप्शन दिया है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी ऑप्शन बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉन्क्रीट वर्क इन आरसीसी, ठीक है, कॉन्क्रीट वर्क का मेजरमेंट किस में करते हैं, ठीक है, कॉन्क्रीट वर्क को किस में मेजरमेंट करते हैं, आरसीसी वर्क में कॉन्क्रीट को किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में, क्यूबिक मीटर में, 10 स्क्वायर मीटर, 10 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्यूबिक मीटर में, ठीक है, यानी किसी भी कंक्रीट वर्क को इसमें मेजर करते हैं, क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ फ्लशिंग किस्टन इज यूजली, यानी फ्लशिंग किस्टन की क्षमता आमतौर पर कितनी होती है, ठीक है, आमतौर पर कितनी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 10 लीटर, 25 लीटर, 12 to 25 लीटर एंड 20 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, 10 लीटर, ठीक है। वैसे 5 लीटर भी होता है, 5 लीटर का भी होता है, 10 लीटर का भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 10 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन प्रिपेयरिंग सीमेंट कंक्रीट बाई वॉल्यूम द साइज ऑफ वुडन बॉक्स यूज्ड टू मेजर सैंड एग्रीगेट इज, सैंड एग्रीगेट को सीमेंट कंक्रीट को आयतन के अनुसार, ठीक है, तैयार करने में कितने आकार का लकड़ी का डिब्बा चाहिए, ठीक है। पूछा गया, इन प्रिपेयरिंग सीमेंट कंक्रीट बाय वॉल्यूम ऑफ साइज ऑफ द वुडन बॉक्स यूज टू मेजर सेंड एग्रीगेट को मेजर करने के लिए जो लकड़ी का वुडन बॉक्स यूज करेंगे वो कितने साइज का होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है, 35 × 25 × 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर × 38 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 40
25 × 30 सेंटीमीटर, नेक्स्ट है 35, 30 एंड 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो कि स्टैंडर्ड है 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर × 38 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग अप टू मेसनरी। ठीक है, कितने स्क्वायर मीटर या कितने फीट स्क्वायर फीट तक खोलने के लिए कोई भी कटौती नहीं करी जाती है मेसनरी वर्क में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 0.1 स्क्वायर मीटर, 0.1 स्क्वायर फीट, 5 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 0.1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 0.1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ पेमेंट ऑफ फिक्सिंग ऑफ ग्लास पैनल और क्लीनिंग इज इन। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन है, शीशे लगाने या सफाई करने के लिए भुगतान की जाती है किसमें, शीशे को फिक्सिंग करने के में। ठीक है, किसमें पेमेंट करा जाता है, तो नंबर्स में, केजी में, स्क्वायर मीटर में, क्यूबिक मीटर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर नंबर्स में। ठीक है, नंबर्स में पेमेंट करते हैं फिक्सिंग ऑफ ग्लास का। ठीक है, ग्लास पैनल को फिक्स करने के लिए जो पेमेंट करते हैं, ठीक है, वो नंबर्स में किया जाता है, कि एक नंबर्स आप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर्स ऑफ ब्रिक ऑफ साइज ऑफ 20 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर। ब्रिक का साइज दिया गया है और पूछ रहा है 100 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर ऑफ मेसनरी वॉल इज, मीन्स पूछ रहा है कि 100 क्यूबिक मीटर वॉल में, ठीक है, या मेसनरी वर्क में कितना ब्रिक्स लगेगा। नंबर्स ऑफ ब्रिक्स पूछ रहा है 100 क्यूबिक मीटर में। ठीक है, तो हमने 1 क्यूबिक मीटर के लिए कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें पता है 500 ब्रिक्स लगते हैं। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक्स लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 100 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 100 क्यूबिक मीटर, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करा लो, तो यहाँ पर कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा 50,000 ब्रिक। ठीक है, 100 स्क्वायर फीट के लिए, 100 क्यूबिक मीटर के लिए यहाँ पर लगेगा 50,000 ब्रिक्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी ट्रीजर एंड वेरुएबल्स मटेरियल फाउंड ड्यूरिंग एक्सकावेशन सेल बी प्रॉपर्टी ऑफ, यानी उत्खनन के दौरान, ठीक है, उत्खनन के दौरान प्राप्त कोई भी खजाना या किसी या कितनी या कीमती सामान कितनी संपत्ति किसकी संपत्ति होगी। यानी कि अगर एक्सकावेशन, यानी एक्सकावेशन ऑफ अर्थवर्क, मिट्टी की खुदाई करी जा रही है, अगर उसमें कोई भी खजाना या कोई कीमती सामान मिलता है, वो किसका होता है, कॉन्ट्रैक्टर का होता है कि ओनर का होता है कि गवर्नमेंट की आलता है बब। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेजुअल ग्रेजुअल रिडक्शन इन वैल्यू विथ एज ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज। ठीक है, संपत्ति की उम्र के साथ मूल्य में क्रमिक कमी को कहा जाता है, यानी ग्रेजुअल रिड्यूस हुआ है वैल्यू किसी भी प्रॉपर्टी का, तो उसे क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं, कि डिवेल्युएशन कहते हैं, रिवेल्युएशन कहते हैं, या अप्रिसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डिप्रिसिएशन, यानी कि जो समय के आधार पर, समय के साथ साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू में कमी आ गई है, तो उसे कहते हैं डिप्रिसिएशन। ठीक है, डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनरली द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर पार्टीशन वॉल, यानी पार्टीशन वॉल यानी विभाजन विभाजक वॉल होता है, विभाजक दीवार होती है, उसका मेजरमेंट किसमें करते हैं, आमतौर पर उसका मेजरमेंट किसमें करते हैं। ऑप्शन दिया गया है क्यूबिक मीटर में, स्क्वायर मीटर में, रनिंग मीटर में, या नंबर्स में। तो यहाँ पर बता दें, पार्टीशन वॉल होता है या पैरापेट वॉल होगा। ठीक है, पैरापेट वॉल या पार्टीशन वॉल कहा कहेगा, या 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर वॉल बोलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो मेजरमेंट करेंगे उसका, वो स्क्वायर मीटर में किया जाएगा। ठीक है, क्यूबिक मीटर में नहीं, स्क्वायर मीटर में किया जाएगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल इस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन यूजुअली अकाउंट्स फॉर, कितना परसेंट होता है टोटल एक भवन विद्युतीकरण की कुल अनुमानित लागत, आमतौर पर कितना परसेंट लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हमको पता है 8% लेके चलते हैं। ठीक है, 8%, तो यहाँ पर दिया
यहाँ पर परसेंटेज में नहीं दिया है, तो यानी 8/100 हो जाएगा 0.08, वैल्यू आ जाएगी 0.08 इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। एंड जो वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन अगर पूछ लेता तो उसका भी 8% ही लेके चलते, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट, 8% या 0.08, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ये प्रोजेक्ट इज कॉल्ड, यानी प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन कॉस्ट जो ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट इज, यानी किसी परियोजना के निर्माण की लागत मूल्यांकन की प्रक्रिया, यानी एस्टीमेट करना, एस्टीमेट है यानी मूल्यांकन। कंस्ट्रक्शन के समय क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन के पहले क्या किया जाता है, एस्टीमेट करा जाता है ना, यानी उसका अनुमान लगाया जाता है कि इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगने वाला है, तो ये क्या कहेंगे इसे, एस्टीमेट, ठीक है, एस्टीमेशन कॉस्ट कहेंगे। एक्चुअल तो बोल नहीं सकते क्योंकि एक्चुअल तो होता है फाइनल जो रिजल्ट निकल के आता है इनकी, फाइनली जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता मतलब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में पता चलता है कि टोटल कॉस्ट उसमें कितना लगा। रफ वैल्यू होती है, रफ वैल्यू वही एस्टीमेट, रफ एस्टीमेट होगा, ठीक है, वर्केबल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एनालिसिस ऑफ रेट कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इज टेकन एट रेट ऑफ, यानी कितना परसेंट या किस रेट के आधार पर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लेता है। दरों के विश्लेषण में ठेकेदार का लाभ दर पर लिया जाता है, कितना रेट एनालिसिस करते समय कितना लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन क्वेश्चन है, इन रेट एनालिसिस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इज टेकन रेट ऑफ कितना परसेंट, ठीक है। तो हमें पता है कि 10% होता है किसी भी कॉस्ट का, किसी भी प्रोजेक्ट का 10% लिया देता है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लेके चला जाता है, ठीक है। तो 10% 10/100 कितना हो जाएगा, 10/100, तो वैल्यू आ जाएगी 0.10, ठीक है, 0.10। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन डिटेल्ड एस्टीमेट द प्रोविजन ऑफ कंटिजेंसी इज टेकन, यानी विस्तृत अनुमान में या एस्टीमेट डिटेल्ड एस्टीमेट में आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान है, यानी जो कंटिजेंसी लिया जाता है, ठीक है, जिसका हमें पहले से कोई भी अनुमान नहीं रहता है कि ये चीज़ होने वाली है या मतलब इसके लिए खर्चा लेकिन लेके चला जाता है, ठीक है। कंटिजेंसी होता है जैसे किसी भी क्या कहते हैं किसी भी लेबर वगैरह का एक्सीडेंट वगैरह हो जाना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जरूरी थोड़ी ना है, जो चीज़ निर्धारित नहीं रहती है पहले, ठीक है, लेकिन कितना परसेंट उसको लेके चलते हैं, इसमें पूछा गया कंटिजेंसी के लिए कितना परसेंट लेके चलते हैं। तो हम बता दें यहाँ पर 3-5% कंटिजेंसी लेके चलते हैं, 3-5% कंटिजेंसी, ठीक है, आकस्मिक जो खर्चा है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस्टीमेट एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट एक्यूरेट इज, यानी सबसे लीस्ट एक्यूरेट यानी रफ सबसे इस्टीमेट कौन सा होता है, सप्लीमेंट्री इस्टीमेट। सप्लीमेंट्री तो होता है कोई चीज़ ऐड वगैरह करी गई है कार कंस्ट्रक्शन के दौरान, ठीक है। प्लिंथ एरिया इस्टीमेट, डिटेल्ड इस्टीमेट, रिवाइज इस्टीमेट। डिटेल्ड इस्टीमेट होता है एक्यूरेट होता है, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट होता है। रिवाइज एस्टीमेट होता है जब क्या है कि सैंक्शन एस्टीमेट, जो सैंक्शन एस्टीमेट है 5% से क्या कहते हैं ज़्यादा चेंज, 5% से ज़्यादा चेंजमेंट दिख रहा है तो क्या करते हैं, रिवाइज एस्टीमेट करते हैं। तो यहाँ पर प्लिंथ एरिया एस्टीमेट जो है ये रफ एस्टीमेट का एक प्रकार है, ठीक है। तो यही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि सबसे कम यानी सबसे लीस्ट एक्यूरेसी यही होती है इसमें ही, ठीक है। चारों ऑप्शन में सबसे लीस्ट एक्यूरेसी होगी प्लिंथ एरिया एस्टीमेट में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रेक्टेंगुलर ओपनिंग डिडक्शन आर मेड एज, ठीक है, डिडक्शन आर मेड एज, यानी आयताकार उद्घाटन के लिए कटौती कटौती इस प्रकार की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एल बी इंटू एच, ठीक है, एल बी इंटू एच, लेंथ विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, व्हेन द रिवाइज एस्टीमेट इज मेड, ठीक है, रिवाइज एस्टीमेट की ज़रूरत कब पड़ती है या कब की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, व्हेन देयर इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ 5% मोर देन द
इस्टिमेट ऑफ द ओरिजिनल सैंक्शन, ठीक है, 5% मोर देन द इस्टिमेट ऑफ द ओरिजिनल सैंक्शन, ठीक है, जो ओरिजिनल जो कॉस्ट करा गया था उससे ज़्यादा, 5% ज़्यादा खर्चा होने पर। नेक्स्ट है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेंडिचर ऑफ 20% मोर देन, नहीं ये गलत होगा, सी पार्ट यानी ऑल द अबव, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टील वर्क इन ट्रसेस एंड इट्स पार्ट्स, यानी कि ट्रस में स्टील के काम के लिए माप की इकाई और इसके हिस्सों की माप की इकाई किस में करते हैं, यानी मेजरमेंट ऑफ स्टील वर्क एंड ट्रसेस एंड इट्स पार्ट, ठीक है, किस में मेजर करते हैं, क्विंटल में, सेंटीमीटर में, नंबर्स में, किलोग्राम में, केजी नंबर्स में, तो या सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्विंटल में, ठीक है, कि इसका मेजरमेंट किस में करते हैं, क्विंटल में करते हैं, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये पार्ट, ठीक है, क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल विड्थ ऑफ ट्रेड इन स्टेयर केस ऑफ बिल्डिंग इज टेकन एज, यानी जनरल विड्थ ऑफ ट्रेड इन स्टेयर केस ऑफ बिल्डिंग इज टेकन एंड, भवन की सीढ़ी में चलने की सामान्य चौड़ाई होती है, जो ट्रेड होती है, ट्रेड की पूछा है यहाँ पर, विड्थ कितनी होती है, ठीक है, चौड़ाई कितनी होती है, तो यहाँ पर बता दें कि 200 से 300 mm तक वेरी करता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ बिल्डिंग, यानी अगर रेजिडेल बिल्डिंग है, ठीक है, रेजिडेल बिल्डिंग है और पब्लिक बिल्डिंग है, उसके आधार पे देखा जाता है, यहाँ पर हमारा 15 सेंटीमीटर से 20 या 190 शायद, ठीक है, 20 सेंटीमीटर तक, ठीक है, वेरी करता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए कितना हो जाता है 15 सेंटीमीटर और पब्लिक के लिए, पब्लिक बिल्डिंग में कितना यूज़ करते हैं जो विड्थ होता है 20 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 और 20 के बीच का कोई भी, तो 15 यहाँ पर नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डीपीसी, ठीक है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डीपीसी इज, यानी डीपीसी का मेजरमेंट किस में करते हैं, स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर फीट में, स्क्वायर सेंटीमीटर में या मीटर में, ठीक है, तो हमको पता है कि डीपीसी का मेजरमेंट करते हैं स्क्वायर मीटर में, यानी बी पार्ट होगा करेक्ट, बी पार्ट करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डोर विंडो एंड अदर वुडन पैनल्स एंड लीव्स इज, यानी दरवाजे खिड़की और अन्य माप के लिए मेजर किया जाता है, किस चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, इस स्क्वायर मीटर में, क्यूबिक मीटर में या मीटर में, ठीक है, तो यहाँ पर बता दे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्क्वायर मीटर में, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्क्वायर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्टीमेट इज मोस्ट एक्यूरेट या मोस्ट करेक्ट, एक्यूरेट होगा, ठीक है, एक्यूरेट यानी जिसकी एक्यूरेसी सबसे अच्छी होती है, फ्लिंथ एरिया एस्टीमेट, क्यूबिक रेट, क्यूबिक एरिया एस्टीमेट, डिटेल्ड एस्टीमेट, फ्लिंथ एरिया और क्यूबिक एरिया एस्टीमेट तो दोनों टाइप्स हैं किसके, रफ एस्टीमेट के, ठीक है, रफ एस्टीमेट के या प्रिलिमिनरी एस्टीमेट के, डिटेल एस्टीमेट होता है सबसे एक्यूरेट, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डिटेल्ड एस्टीमेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग द एस्टीमेट इज सेड टू बी मेड, क्वेश्चन कह रहा है बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग यानी कि भवन के आयतन के आधार पर बनाया गया प्राकलन कहलाता है, भवन के आयतन के आधार पर, ठीक है, यहाँ पर एरिया नहीं कह रहा, यहाँ पर आयतन कह रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे कि किसको मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, फर्स्ट है क्यूबिक रेट एनालिसिस, क्यूबिक कंटेंट एस्टीमेट, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, डिटेल्ड एस्टीमेट, रिवाइज एस्टीमेट, ठीक है, तो क्यूबिक यहाँ नाम से ही पता चलता है, क्यूबिक रेट एस्टीमेट, क्यूबिक कंटेंट एस्टीमेट, क्यूबिक यानी वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अगर जैसे बोला है यहाँ पर बेस्ड ऑन वॉल्यूम, अगर बेस्ड ऑन एरिया बोल देता तो यहाँ पर हो जाता हमारा करेक्ट आंसर बेस्ड
प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, ठीक है, और सबसे करेक्ट या सबसे एक्यूरेसी के लिए बोलता है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डिटेल्ड एस्टीमेट। अगर कंस्ट्रक्शन के दौरान में कोई चेंजमेंट हो रहा है तो वहाँ पर, सॉरी, अगर कोई सैंक्शन एस्टीमेट अगर 5% से ज़्यादा चेंजमेंट हो रहा है तो क्या करते हैं, रिवाइज एस्टीमेट करते हैं। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट कब करते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट जब कोई कंस्ट्रक्शन के दौरान में ही कुछ चेंजमेंट करने होते हैं, ठीक है, कुछ चेंजमेंट करने होते हैं तो वहां पर सप्लीमेंट्री एस्टीमेट का उपयोग करा जाता है या सप्लीमेंट्री एस्टीमेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सैनिटरी वर्क इनसाइड द बिल्डिंग टेक्स ऑफ द एस्टीमेट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, कि कितना परसेंट इलेक्ट्रिसिटी सैनिटेशन और वाटर वाटर ईटीसी इसके लिए लेते हैं कि बिल्डिंग में कितना एस्टीमेट का पूछा है। भवन के अंदर बिजली सफाई भवन पानी आदि का कार्य अनुमानित लागत का कितना परसेंट लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है हमें यहाँ पर 5%, 10%, 20% एंड 30%, ठीक है, 5%, 10%, 20% एंड 30%। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10%, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10%, यानी कि ऑप्शन बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया ऑफ बिल्डिंग, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया ऑफ बिल्डिंग ऑफ बिल्डिंग कितना परसेंट होगा, ऑफ प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया का कितना परसेंट होगा वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया, ठीक है, यानी कुर्सी क्षेत्र भवन का कितना परसेंट लेंगे ऊर्ध्वाधर परिसंचरण के लिए, ठीक है, परिसंचरण के लिए कितना परसेंट लेते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है 2 से 3%, 4 से 5%, और 5 से 8%, 8 से 10%, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो कि वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया लेते हैं प्लिंथ एरिया का 4 से 5%, ठीक है, 4 से 5%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट, ठीक है, 4 से 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन एरिया ऑफ बिल्डिंग इज द प्लिंथ एरिया, यानी एक इमारत का क्षैतिज संचरण क्षेत्र कुर्सी क्षेत्र है कितना परसेंट, यानी हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन एरिया ऑफ ये बिल्डिंग ऑफ प्लिंथ एरिया, यानी प्लिंथ एरिया का यानी कुर्सी क्षेत्रफल का कितना परसेंट हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन एरिया होगा, यानी जो क्षैतिज संचरण एरिया होगा वो प्लिंथ एरिया का कितना परसेंट एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 to 15%, ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्ट होगा 10 to 15% होगा, यानी हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन एरिया 10 to 15% एरिया ऑफ प्लिंथ एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट इज एडेड सेपरेटली टू द एस्टीमेट फॉर द एनुअल रिपेयर, ठीक है, वार्षिक मरम्मत के लिए अनुमान या प्राकलन में कितना राशि, ठीक है, या कितना परसेंट राशि लेके चलते हैं, ठीक है, किस लिए, रिपेयर, एनुअल रिपेयर के लिए। तो 2% है, 1.5% है, 2.5% है एंड 3% है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5%, यानी कि जो बिल्डिंग की लागत है उसका 1.5% एनुअल यानी प्रतिवर्ष रिपेयर वर्क के लिए लेके चलते हैं, ठीक है, रिपेयर वर्क के लिए लेके चलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, ठीक है, ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ वॉल इज, क्वेश्चन सेम है बस थोड़ा चेंजमेंट है, ठीक है। जैसे अभी तक पूछता था पैरापेट वॉल या पार्टीशन वॉल को किस में मेजर करते हैं तो बताते थे स्क्वायर मीटर में, यहाँ पर क्वेश्चन जस्ट उल्टा पूछा है कि ब्रिक वॉल यानी कोई दीवार है, ईंट की दीवार है जिसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं उसकी थिकनेस कितनी होगी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट जो कि है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट इन डीपीसी, ठीक है, इन डीपीसी इज द थिकनेस ऑफ कंक्रीट वॉल,
डीपीसी का पूछ रहा है, डीपीसी वाल का पूछ रहा है, डीपीसी का यानी डैम प्रूफ कोर्स की थिकनेस पूछी जा रही है कि कितनी मोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर यानी 40 mm, 40 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकैवेशन इन ऑर्डिनरी सॉयल, मिक्स्ड सॉयल विथ कंकर, बजरी ईटीसी, व्हेन डेप्थ ऑफ एक्सकैवेशन डज नॉट एक्सीड 30 सेंटीमीटर इज। क्वेश्चन कह रहा है सामान्य मिट्टी में मिट्टी के काम के लिए माप की इकाई कंकड़ बजरी इत्यादि के साथ मिश्रित मिट्टी जबकि खुदाई की गहराई, ठीक है, 30 सेंटीमीटर से अधिक ना हो तो उसे किस में मेजर करते हैं, पर मीटर में या क्यूबिक मीटर में, स्क्वायर मीटर में या 100 स्क्वायर मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्क्वायर मीटर में, ठीक है। किस में मेजर करते हैं, जब 30 सेंटीमीटर गहराई से ज़्यादा ना हो तो, किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है, स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉन्क्रीट वर्क इन आरसीसी इज। पूछा है आरसीसी में कंक्रीट के काम के लिए माप की इकाई है क्या चीज़ है, कितनी क्या इकाई है, स्क्वायर मीटर है, क्यूबिक मीटर है, 10 स्क्वायर मीटर है या 10 क्यूबिक मीटर है। तो यहाँ बता दें कि जो आरसीसी में कंक्रीट वर्क है उसको मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी पार्ट, ठीक है, क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वुड वर्क इनडोर्स, विंडो, राफ्टर, बीम, रूफ ट्रसेज ईटीसी इन, यानी दरवाजे, खिड़कियां, राफ्टर, बीम, ट्रसेज इत्यादि को लकड़ी के काम के लिए माप की इकाई में है, किस में है, मीटर में है, स्क्वायर मीटर में है, क्यूबिक मीटर में है, क्विंटल में है, ठीक है। पूछा है कि किस में मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्वायर मीटर में इसे मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट, ठीक है, स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ पेमेंट फॉर ब्लास्टिंग ऑफ रॉक इंक्लूडिंग स्टैकिंग इज इन। स्टैकिंग सहित रॉक ब्लास्टिंग के लिए भुगतान की इकाई में है, स्क्वायर मीटर में, क्यूबिक मीटर में और मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर बता दें हम कि जो ब्लास्टिंग करिए, स्टैकिंग सहित ब्लास्टिंग के लिए भुगतान जो की जाती है ये मीटर के आधार पर मीटर के आधार पर की जाती है, ठीक है। तो इसको जो मेजर करेंगे मीटर में करेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ पेमेंट ऑफ रोड, यूनिट ऑफ पेमेंट फॉर रोड साइड ब्रिक एजिंग इज। रोड साइड ब्रिक एजिंग के लिए भुगतान की इकाई है, ठीक है। यूनिट ऑफ पेमेंट ऑफ रोड साइड ब्रिक एजिंग इज, ठीक है, क्यूबिक मीटर, मीटर, स्क्वायर मीटर एंड केजी, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिट ऑफ पेमेंट ऑफ रोड साइड ब्रिक एजिंग, ठीक है, रोड साइड ब्रिक एजिंग के लिए भुगतान की जाती है, किसमें भुगतान करते हैं, तो बता दें पर स्क्वायर मीटर में, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर में, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशन इज। बुकिंग आयामों का क्रम है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी LBH जो चौड़ाई है उसे थिकनेस भी बोल सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे थिकनेस, ठीक है। लंबाई LHB या BHL या HBL, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा LBH, लेंथ विड्थ इंटू थिकनेस या हाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पार्टीशन वॉल, सेम क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, पार्टीशन वॉल को किस में मेजर करते हैं, तो बता दें स्क्वायर मीटर में किया जाता है, ठीक है, स्क्वायर मीटर में, क्यूबिक मीटर में नहीं, स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर बी पार्ट, करेक्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, तो आज के लिए बस यही तक रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।